1981 में अपर्णा सेन की फिल्म आई थी 36 चौरंगी लेन। इसमें रोजमेरी का किरदार निभा रही लड़की की ये पहली फिल्म थी। रोजमेरी का असली नाम था सोनी राजदान। लोग अक्सर टीवी की दुनिया से फिल्मों में जाते हैं, लेकिन ये एक्ट्रेस फिल्मों की दुनिया से टीवी में गई। 1986 में दूरदर्शन पर बुनियाद की शुरुआत हुई। राजदान ने इसमें काम किया, टीवी नाटक भी कामयाब हुआ और इसमें काम कर रही राजदान एक जाना पहचाना चेहरा बन गई। हालांकि आज की पीढ़ी राजदान को आलिया भट्ट की माँ की पहचान से ज़्यादा जानती है, लेकिन एक दौर था जब सोनी राजदान का सिक्का सिल्वर स्क्रीन पर खूब चलता था। आज सोनी राजदान का जिक्र इसलिए क्योंकि 1956 में आज यानी 25 अक्टूबर को ही उनका जन्म हुआ था। आज हम सोनी राजदान के परिवार को करीब से जानेंगे झरोखा के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आपका स्वागत करता हूं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारी विशेष पेशकश झरोखा में। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। सोनी राजदान के जन्मदिन पर हम जानेंगे भट्ट परिवार की फैमिली ट्री के बारे में। इस परिवार में ईसाई, हिंदू और मुस्लिम धर्म का मिश्रण है, और अगर ये कहा जाए कि परिवार अपने आप में मिनी इंडिया है तो गलत नहीं होगा। आलिया भट्ट का जन्म लंदन में हुआ था और उनके पास अपनी माँ सोनी राजदान की तरह ही ब्रिटिश पासपोर्ट है। आलिया भट्ट और उनकी माँ सोनी राजदान का कई जगहों से कनेक्शन है। इसमें इंडिया में गुजरात, कश्मीर और उत्तर प्रदेश हैं, जबकि प्रदेश में जर्मनी और इंग्लैंड भी हैं। अगर बात आलिया की करें तो उनके पिता का पक्ष गुजराती और मुस्लिम विरासत का मिश्रण है। उनके दादा नाना भाई भट्ट गुजरात के उसी शहर पोरबंदर के एक ब्राह्मण थे जहां से महात्मा गांधी थे। उनकी दादी श्रीन मोहम्मद अली गुजरात से थी, लेकिन उनकी जड़ें थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। श्रीन और नाना भाई ने कभी शादी नहीं की। आलिया के पिता महेश भट्ट एक सिंगल मदर के बेटे थे। महेश भट्ट ने कई बार कहा कि उनके पास पिता नहीं थे और उनकी परवरिश में माँ का प्रभाव ही मौजूद रहा। आलिया की नानी गेट्रूड हुलजर हैं, वह एक जर्मन हैं जिनका परिवार सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी छोड़कर बर्मिंघम चला गया था। उनके नाना नरेंद्रनाथ राजदान एक कश्मीरी पंडित हैं, वह एक आर्किटेक्ट, वायलिनिस्ट और प्रतिभाशाली स्नूकर प्लेयर थे। गेट्रूड और नरेंद्रनाथ लंदन में मिले थे जहाँ नरेंद्रनाथ आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने गए थे। म्यूजिक की वजह से गेट्रूड और नरेंद्र एक साथ आए। नरेंद्र ने एक इवेंट में वायलिन बजाया था और किस्मत से गेट्रूड उस इवेंट में एक ऐसे शख्स की जगह पहुंची थी जो खुद वहां नहीं जा सका था। नरेंद्रनाथ की परफॉर्मेंस देखकर वह इम्प्रेस हो गई थी और फिर शुरू हुआ डेटिंग का दौर। आखिर में दोनों ने शादी कर ली। उनकी बेटियों टीना और सोनी का जन्म बर्मिंघम में हुआ। परिवार फिर मुंबई आया जहाँ गेट्रूड ने नर्सरी स्कूल टीचर की नौकरी की। ये सभी वाल्चन टेरेसेस पर रहा करते थे। ये एक बिल्डिंग थी जो साउथ बॉम्बे में थी। 1970 के दशक के आखिर में और 1980 के दशक की शुरुआत में टीना एक जानी पहचानी मॉडल थी, जबकि इसी वक्त सोनी ने अभिनय की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। टीना अब अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में रहती हैं। आलिया और उनकी बड़ी बहन शाहीन उत्तर पश्चिम मुंबई के जुहू में पली बढ़ी। महेश भट्ट से शादी के बाद सोनी यहीं पर रहने लगी थी। जब सारांश फिल्म बन रही थी इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया था। इस फिल्म ने ही अनुपम खेर को एक स्टार बना दिया था। दोनों बहनें जुहू के जमुना भाई नर्सरी स्कूल में पढ़ी। आलिया की सबसे करीबी दोस्त इसी स्कूल में बनी सहेलियाँ हैं। महेश भट्ट की पहली शादी 1968 में लॉरेन ब्राइट से तब हुई थी जब वह 20 साल के थे। ब्राइट ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर किरण भट्ट कर लिया था। उनके दो बच्चे पूजा भट्ट और राहुल भट्ट हैं। हालांकि ये शादी लंबे वक्त तक चली नहीं। पूजा भट्ट ने फिल्मी करियर की शुरुआत पिता की फिल्मों से ही की और बाद में वे निर्देशक और निर्माता भी बनी। उन्होंने हाल में वेब सीरीज बॉम्बे बेगम से अभिनय की दुनिया में वापसी की। उनके भाई राहुल एक जिम ट्रेनर हैं। राहुल 2008 में मुंबई हमलों के आरोपी डेविड हेडली के साथ अपनी दोस्ती की वजह से विवादों में रह चुके हैं। इमरान हाशमी आलिया के कज़िन हैं। आलिया की नानी शिरीन और इमरान की नानी मेहरबानो मोहम्मद अली बहनें हैं।
इमरान मेहरबानों की बेटी महराह के बेटे हैं, जिन्होंने बिजनेसमैन सैयद अनवर हाशमी से शादी की थी। महेश भट्ट और उनके भाई मुकेश भट्ट की एक प्रोडक्शन कंपनी विशेष फिल्म्स भी है। इसका नाम मुकेश के बेटे के नाम पर रखा गया है। आशिकी 2 के निर्देशक मोहित सूरी भी आलिया के दूसरे कजन हैं। इमरान हाशमी की माँ महराह हाशमी और मोहित सूरी की माँ हीना सूरी बहनें हैं। मोहित ने अपने करियर की शुरुआत अंकल के प्रोडक्शन हाउस में बनी मर्डर 2 को डायरेक्ट करने से की। इसमें उनके कजन इमरान ने अभिनय किया था। मोहित सूरी ने उदिता गोस्वामी से शादी की, जिन्होंने 2004 में पूजा भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म पाप से अपने करियर की शुरुआत की थी। मोहित ने अपनी पहली फिल्म कलयुग में अपनी बहन स्माइली को निर्देशित किया था। कुणाल खेमू के अलावा इसमें इमरान भी थे। चलते चलते आइए जानते हैं 25 अक्टूबर को हुई दूसरी अहम घटनाओं के बारे में। 1800 इतिहासकार लॉर्ड मैकाले का जन्म हुआ। 1881 स्पेन के मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म हुआ। 2012 मशहूर हास्य अभिनेता जसपाल भट्टी का निधन हुआ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई किस्सा हम इस शो में शामिल करें तो हमें लिख भेजें mukesh@editorg.com पर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का किस्सा हम इस शो में शामिल करें। झरोखा के इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगा एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।